एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर कुसुन ने हजारों की संख्या में उमड़े आदिवासी समाज के लोग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से विजय मानकर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एवं भाजपा सरकार को दी खुली चुनौती। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा रायपुर में सोमवार को आदिवासियों के हक, अधिकार, गरिमा और सर्वांगीण विकास को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। रावण भाटा मैदान में आयोजित इस जनसभा में पूरे छत्तीसगढ़ से करीब 50,000 आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए, जहां उनके द्वारा आदिवासी मूल निवासियों के अधिकार को लेकर भाजपा की रमन सरकार एवं मोदी सरकार को खुली चुनौती दी गई। इस दौरान आदिवासी समाज को अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने संबोधित किया। विजय मानकर ने आरएसएस की एससी एसटी विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए सर संचालक मोहन भागवत पर कई सवाल उठाए। उन्होंने अपने पूरे संबोधन में भाजपा के साम दाम दंड भेद की नीतियों को खुली चुनौती देते हुए प्रदेश में आदिवासी राज स्थापित करने के लिए अम्बेडकराइट सरकार बनाने का आह्वान किया। फादर आर्यन लोगों का, ये एरियल और एंटीना वालों का, इनका पिता जो है एरियल और एंटीना वालों का, ये मनु है। मनु ये खुद कहते रहे कि हमारा फादर मनु है। मैं भागवत जी को पूछ रहा हूँ, जरा अपनी माँ का नाम तो बताओ। इंडिया अपनी माँ का नाम तो बताओ। मैं भागवत जी बोलना, ये आरएसएस के लोग होंगे इधर में, या एलआईबी के लोग होंगे, या बीजेपी के लोग होंगे, आरएसएस के लोग होंगे, उनको बोलना। मानकर साहब ने बोला, भागवत जी को पूछा पब्लिकली, आज भारत और दुनिया की सबसे प्राचीनतम समाज, ये जो श्रमण सभ्यता बनाने वाला नागवंशी और असुर समाज है, ये महान गोंडवाना की भूमि से मैंने भागवत को पूछा कि आपने फादर का नाम आपको मालूम है, जरे माँ का नाम तो बताओ। अरे बिना माँ के पैदा हो गए कैसे आप? कम्युनिटी है बिना माँ के पैदा हुए, ये कल्चरल हिस्ट्री है जिसको हमें समझना होगा। भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसके ऊपर मैं बार बार कहते रहा, और इसका समाधान कैसे निकलेगा ये हमको समझना होगा। ये दो चीजें हैं जिसको हमें बहुत बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। क्या समस्या है ट्राइब्स की, क्या प्रॉब्लम है ट्राइब्स की? भारत के अंदर में एक ही प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइब्स। रायपुर में आयोजित सर्व आदिवासी महासभा की इस विशाल जनसभा में वैसे तो आदिवासी समाज के कई सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए, लेकिन इन सब की नज़र अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर पर ही टिकी रही। गौरतलब है कि विजय मानकर इस समय भारत के सर्वाधिक पढ़े लिखे एवं बुद्धिमान नेताओं में से एक है। वे पिछले 2 वर्षों से देश भर में जनसभाओं के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। यही कारण है कि उनके आगमन की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा मंगलवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिखाई दिया, जहां एक अनुमान के मुताबिक करीब 50,000 से अधिक आदिवासी शामिल हुए, जिससे भाजपा एवं कांग्रेस की नींद उड़ गई है। वहीं भाजपा एवं कांग्रेस में रहकर राजनीति कर रहे आदिवासी समाज के विधायक सांसदों को भी आने वाले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में इस सभा में दिखाई देने वाली विरोधी लहर से चिंता सताने लगी है।